दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और ये इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको TVS जुपिटर BS6 मॉडल के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखो, वैसे तो ये गाड़ी मैंने नवंबर 2021 में ही ले ली थी। BS6 AOL TVS का जुपिटर मॉडल। और जब से मैंने गाड़ी ली है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे मेरी जो चॉइस थी, मुझे वाकई में लग रहा है कि बहुत अच्छी चॉइस है। बहुत ही प्यारी और कंफर्टेबल गाड़ी है ये, स्कूटर है ये। और आज भी ओके, मैंने इसलिए स्पेशली आपको निकाला क्योंकि मेरी दो सर्विस मैं इस पर ऑलरेडी करा चुका हूँ। और मुझे क्या क्या इसमें कैसा फील हुआ, क्या कमी लगी, क्या अच्छा लगा। वैसे तो मुझे अभी तक तो इसमें कुछ कमी लगी नहीं है, चलाने में बहुत कम्फर्ट है। इसका सस्पेंशन वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगा। BS6 मॉडल है ये और बहुत ही कम्फर्टेबल गाड़ी है। आज इस गाड़ी का हम रिव्यू करेंगे, स्कूटर का, और मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं और कैसा लगा, क्या क्या इसमें है फीचर्स। सब मैं आपको बताऊंगा, टायर सस्पेंशन वगैरह सब के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं, चलो, इसकी की से। फ़िलहाल तो दो चाबी मिलती है मेरे पास, अभी एक ही चाबी मैं लेके आया हूँ, एक चाबी घर पे पड़ी है। इस टाइप की इसकी चाबी मिलती है। TVS इस पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। इस टाइप की कुछ चाबी, इस टाइप की चाबी है, बहुत ही अच्छी और देखिए लंबी चाबी है। और चाबी के साथ आप बात करते हैं इसके फ्रंट लुक की, तो देखिए कितना प्यारा और डैशिंग फ्रंट लुक है इसका, आप देख सकते हैं। फ्रंट लुक से इसकी शुरुआत करते हैं, तो आप देखेंगे ये LED हेडलैम्प है। और इसकी जो जब सड़क पे जब ये रात को ये लाइट पड़ती है तो बहुत ही बिल्कुल पूरा दूर दूर तक साफ दिखाई देता है। इसके आगे ये देखेंगे TVS की बैजिंग है यहाँ पे और क्रोम फिनिशिंग में दी गई है। ये जो बॉडी है, ये जो आप ये देख रहे हैं, गार्ड देख रहे हैं, ये मुझे गाड़ी के साथ लगा हुआ मिला था। वैसे एसेसरीज़ में अलग से मैंने नहीं लिया था, उन्होंने लगा के दिया। गाड़ी तैयार पड़ी थी, मैं लेके आ गया था। और ये आप जो देख सकते हैं, ये फैब्रिक बॉडी है, ये देखते हैं, फाइबर बॉडी है पूरी। और ये मेटल है, ये देखेंगे ये पूरा मेटल में है, ये पूरा इन्होंने बॉडी गार्ड लगा रखा है। आगे से ये इसके इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे नीचे की तरफ दिए गए हैं, बहुत ही अच्छा और खूबसूरत तरीके से इसको देखो कितना अच्छा स्माइली लुक में डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल है। ये इसके साइड मिरर्स हैं, TVS की बैजिंग है। और ये इसकी क्वालिटी देखेंगे तो प्लास्टिक है और ठीक है, मुझे अच्छा है, मुझे ऐसे कुछ बुरा लगा नहीं, ठीक है। वेल, पहले से बहुत अच्छा इन्होंने चेंजेस किए हैं, गाड़ी बहुत अच्छी कम्फर्टेबल है। इसकी बात करें, ये देखिए इसके टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर और टैकोमीटर, और इसमें भी काफ़ी कुछ दिया गया। चलिए मैं आपको इसके बारे में बताऊँ। वैसे देखिएगा किलोमीटर देखेंगे तो मैं 4000 करीब करीब 4500 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ मैं, और दो सर्विस मेरी हो चुकी है, इसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। चलिए इस चाबी को आगे से घुमा के इसको यहाँ पे इसको ऑन करते हैं। ये इसका इग्निशन ऑन हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है फ्यूल इंडिकेटर यहाँ पर। और फ्यूल इसमें एक चीज़ है कि आपको ना ये BS6 गाड़ियों में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो रेड आप जो एम्प्टी वाला स्विच देख रहे हैं, इसके नीचे आने से पहले आपको वापस तेल भरा पेट्रोल भराना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें फिर फ्यूल पंप उड़ जाने की ख़राब होने की समस्या रहती है। BS6 गाड़ी में ये है, तो आपको हमेशा गाड़ी वाइट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा फुल रखनी पड़ेगी, या इससे पहले पहले आपको तेल भरवा के रखना पड़ेगा, ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये इसका स्पीडोमीटर है, मैक्सिमम स्पीड 100 दे रखी है, लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे तो ये 78 और 80 से ज़्यादा शायद ही चल पाएगी, क्योंकि गाड़ी अनबैलेंस होना शुरू हो जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये इको मोड का स्विच है, मैं तो इसको इको मोड पे चलाता हूँ, 55 से 60 के अंदर ही इको मोड पे चलती है, तो एवरेज भी करीब करीब अच्छा आता है। मैंने अगर एवरेज नापा था तो 56 का एवरेज मेरा निकल गया है, मैंने बकायदा किलोमीटर के हिसाब से नापा था। ये आप देख सकते हैं, ये पावर का स्विच, पावर का इंडिकेटर है, यहाँ पे ECM की लाइट दिख रही है। इसका मेन कारण, इसका मेन जो फंक्शन होता है वो यही होता है कि गाड़ी जब स्टार्ट होती है तब तो ये दिख जाता है, जैसे आप गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे इनिशियल ऑन होने पर लाइट दिखेगी, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ये लाइट बंद हो जाएगी। इस या अगर इसके बावजूद भी लाइट जलती रहती है, इसका मतलब आपके इंजन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप जाके अपने सर्विस सेंटर में ये चीज़ दिखा सकते हैं। चलिए स्विच को बंद कर देते हैं। ये है, ये आप देख रहे हैं, ये हाई बीम और लो बीम का ये स्विच इधर दिया गया है, ये सेल्फ स्टार्ट का स्विच यहाँ पर नीचे दिया गया है, ये इंजन ऑन और ऑफ का बटन यहाँ पर दिया गया है, ये साइड इंडिकेटर्स का बटन है, स्विच है, ये देखिए यहाँ पे देखेंगे साइड इंडिकेटर लेफ्ट साइड दिखेगा, इधर से राइट साइड दिखेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये फ्यूल का इंडिकेटर है, यहाँ पे फ्यूल अगर कम होगा तो ये दिख जाएगा। ये हाई बीम का स्विच, यहाँ आप लाइट यहाँ पे देख सकते हैं, चलो इसको बंद कर देते हैं। ये हॉर्न का है, ये हॉर्न का है, यहाँ पर देखेंगे तो ये छोटा सा एक ग्लोबस दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही खूबसूरत है। ये मोबाइल ये सॉकेट यहाँ पर दिया गया है, आप इसके अंदर से यहाँ पे मोबाइल को रख के अपने मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक थोड़ा सा हुक दिया गया है, यहाँ पे आप छोटा मोटा कोई भी सामान यहाँ पे रख सकते, यहाँ पे लटका सकते हैं। इसके साथ अगर बात करें तो नीचे भी एक यहाँ पे ये हैंडल दिया गया है, यहाँ पे कोई सामान वामान बैग वगैरह आप सामान वामान लाए तो इसके यहाँ से लॉक करके इसको रख सकते हैं। चलो इसको ऐसे लॉक कर देते हैं। अंदर ये पूरी जो देखेंगे प्लास्टिक बॉडी, हार्ड प्लास्टिक है, और काफ़ी अच्छा मुझे लगा, ठीक है क्वालिटी, ज़्यादा हल्की नहीं है,
ये भी पूरी प्लास्टिक यहाँ दी गई है। ये फ्लोर मैटिंग है जुपिटर की बैजी के साथ। ये नीचे का इसका ये हिस्सा है, ग्रिपिंग है, काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल है। ये आप देख सकते हैं, ये लेग रेस्ट के लिए यहाँ पे ये दिया गया। इसको ऐसे करेंगे तो ये ऐसे ठीक है, प्लास्टिक क्वालिटी ठीक है, ऐसा ख़राब नहीं है। ये फुट स्टैंड, यहाँ पर आप बैठ के कोई पीछे बैठे लेडीज़ वगैरह कोई भी आराम से पहुँच सकते हैं, ठीक है, अच्छी क्वालिटी है। ये भी मेटल का ही है। उसके बाद पीछे की बात करते हैं तो ये हमारा पेट्रोल टैंक है, उसका ये पीछे का ये आप कैप देख सकते हैं। पेट्रोल का जो कैप है उसको ओपन करने के लिए आप इसको अंदर थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश करेंगे, इसको हल्का सा दबाएंगे तो ये कैप ऐसे ओपन हो जाता है। इसको वापस आप यहीं से बंद कर देंगे। पहले जो आता था, पहली वाली जो जुपिटर आती थी उसमें यहाँ पे साइड में दिया गया था आपको की दे रखी थी कि यहाँ से घुमाएंगे तब यहाँ से ओपन होता था, लेकिन अब ये वहीं पे आगे यहीं पे चाबी के पास दे दिया गया है। इसको आप हल्का से दबाएंगे तो आपका बूट ओपन हो जाएगा। चलिए बूट ओपन करते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी स्पेस है, मैं थोड़ा सामान रखा हुआ है, मेरे पेपर्स वगैरह यहाँ देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इसमें स्पेस है, कोई भी आप सामान यहाँ पर रख सकते हैं। चेसिस नंबर यहाँ पर दिया गया है। और इसके बाद ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये टूल बॉक्स भी आप इसको कह सकते हैं, छोटा मोटा कोई भी सामान आप इसमें रख सकते हैं। ये फर्स्ट एड है और ये टूल यहाँ पे दिया गया, इसमें हमने रख दिया है। काफ़ी अच्छा स्पेस है, बाकी तो देख सकते काफ़ी गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, काफ़ी स्पेस है इसमें, आप इसमें सामान रख सकते हैं। स्कूटर लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप इसमें अपना सारा सामान आराम से रख सकते हैं, बहुत सारा सामान आ जाता है, कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सीट कवर की बात करें तो ये सीट कवर देखो मैं आपको क्लियर बता दूँ, मुझे जब कंपनी से जब मैंने गाड़ी ली थी जो सीट कवर मिला था उसकी क्वालिटी बिल्कुल मुझे अच्छी नहीं लगी, बहुत ही मतलब महीने भर भी नहीं चला वो सीट कवर फट गया। उसके बाद मैंने ये सीट कवर मैंने अपनी तरफ से बनवाया है, काफ़ी अच्छी फोम वाला सीट कवर मैंने बनवाया अपने लिए, कंफर्ट है, लॉन्ग ड्राइव पे भी कभी चलाता हूँ तो मुझे कभी दिक्कत नहीं होती। पीछे की अगर बात करें तो फ्यूल कैप के नीचे की तरफ देखेंगे तो ये इसका टेल लैंप है, साइड में दोनों तरफ इसके इंडिकेटर दिए गए हैं। ये प्लास्टिक का मडगार्ड है, ये इसका एग्जॉस्ट है, ऊपर छोटी सी क्रोम फिनिशिंग दी गई जिस पर CVT इंजन का दिया गया, BS6 नॉर्म्स ये गाड़ी है। और इसकी साउंड की अगर बात करें, चलिए मैं आपको स्टार्ट करके इसको साउंड बताता हूँ। इसका साउंड पहले जैसे ये कोई ऐसा चेंजेस नहीं किए गए, लेकिन ठीक है आवाज़ मुझे ठीक लगी। चलिए इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके टायर साइज़ की। टायर साइज़ की बात करें तो आप ये देखते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि टायर के साइज़ को आप कैसे नाप सकते हैं। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तो ये आप देख सकते हैं, ये जो 90 दिख रहा है, 90 जो इसकी चौड़ाई है टायर की, 90 mm इसकी चौड़ाई है। ये बात करेंगे 90 तो ये इसकी ये मोटाई है टायर की। फिर बात करते हैं ये 12 इंच के इसके एलो व्हील्स हैं, रिम की साइज़ होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये आप देख रहे हैं 54 मतलब इसकी एक कोडिंग होती है ये कि आप कितना इसमें वज़न कैरी कर सकते हैं। कम से कम आप मान के चलिए तो 130 किलो आप इस गाड़ी पे एक वज़न कैरी कर सकते हैं। ये जे है हाई स्पीड, आप जे का मतलब कोड ये होता है कि आप कितनी ये गाड़ी टायर जो है मैक्सिमम कितने स्पीड इसको कवर कर सकती है, मतलब आप ये मान के चलिए ये टायर जो है 80 मैक्सिमम स्पीड के हिसाब से चलाएंगे तो टायर इस पर सपोर्ट कर देगा। ब्रेकिंग की बात करें तो डिस्क ब्रेक ये गाड़ी है और ये साइड में रिफ्लेक्टर दिए गए। आप गवर्नमेंट की तरफ से ये कंपलसरी हो गया कि साइड में आपको रिफ्लेक्टर देने ही पड़ेंगे। ये बीच वाला स्टैंड है और ये किक का भी इसमें दिया गया, आप सेल्फ स्टार्ट भी कर सकते हैं, किक से भी कर सकते हैं। मैं तो मोस्टली गाड़ी किक से ही स्टार्ट करता हूँ, उसका फ़ायदा ये मिल जाता है कि बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है, ये ज़रूर मुझे इसमें फ़ायदा मिला। फोर स्ट्रोक इंजन है इस गाड़ी का। पावर की बात करें तो 110 cc का ये इंजन है और काफ़ी अच्छा मुझे इसमें माइलेज भी मिल जाता है, 56 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से मुझे एवरेज मिला, मैंने नापा था तो इतना तो परफेक्ट है स्कूटर के हिसाब से और काफ़ी अच्छा मुझे एवरेज लगा। मैं क्योंकि इसमें इको मोड पे चलाता हूँ, 50 से 55 ज़्यादा चलाता नहीं, ज़्यादा तेज़ मैं चलाता नहीं हूँ, गवर्नमेंट्स के नियम का कभी कभी जरूरत पड़ती नहीं तो 40 से 45 ही चलाता हूँ। इससे मुझे एवरेज भी अच्छा मिल जाता है और गाड़ी की कंडीशन भी अच्छी रहती है और माइलेज भी अच्छा दे देता है। इंजन कैपेसिटी की बात करें तो ये 110 cc का इंजन है और अगर इसकी पावर की बात करें तो ये 5.5 किलोवाट पे 7000 RPM पे ये पावर जनरेट करता है और टॉर्क जो इसकी बात करें तो 8.4 न्यूटन मीटर की टॉर्क ये जनरेट करता है 5500 RPM पे। तो इंजन भी काफ़ी अच्छा है और उसका सस्पेंशन वगैरह सब मुझे बहुत अच्छा लगा और गाड़ी काफ़ी मुझे बहुत पसंद आई। इसकी अगर आप टोटल अगर इसकी बात करेंगे, गाड़ी की लेंथ की बात करेंगे तो ये 1834 mm इस गाड़ी की लेंथ है, ओवरऑल लेंथ है और गाड़ी काफ़ी अच्छी है। और ये लोड जो है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 130 किलो का ये लोड कैरी कर सकती है गाड़ी और काफ़ी अच्छा डिस्क ब्रेक है और गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके साथ अगर मैं
गाड़ी के साथ मुझे ये सर्विस बुकलेट भी मिली है जिसमें मुझे चार आप इसमें देख सकते हैं चार फ्री सर्विस मिली है। मैं दो सर्विस ऑलरेडी करा चुका हूँ। पहली सर्विस मैंने टाइम से करवा ली थी, 750 के अंदर ही करवा ली थी, और दूसरी सर्विस भी मैंने 3480 में कराई थी। वैसे तो 3000 में हो जानी चाहिए थी लेकिन मैं आउट ऑफ स्टेशन था तो इसलिए मैं करवा नहीं पाया था। इसके बाद मैं अगली सर्विस जो मुझे 5000 किलोमीटर से 6000 किलोमीटर के बीच में मुझे करवानी है या फिर 8 महीने के अंदर, और फोर्थ जो फ्री सर्विस है वो मुझे 8500 से 9000 किलोमीटर के बीच में करवानी है या फिर 12 महीने के अंदर। जो पहले हो जाएगा, अगर 12 महीने हो जाए तो 12 महीने करवानी पड़ेगी, जो किलोमीटर पहले होते हैं तो मुझे किलोमीटर पहले करानी पड़ेगी। सर्विस कॉस्ट की अगर बात करूँ तो ज़्यादातर मुझे ज़्यादा खर्चा नहीं आया अभी तक तो, और नॉर्मली जो बिल बना है 350 से 400 के बीच में बना है, और ठीक है मुझे इसकी सर्विसिंग भी ठीक लगी, और जहाँ से मैंने गाड़ी ली वहाँ से मुझे सर्विस भी बहुत अच्छी मिली है, मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। और रेगुलरली वो मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है क्या है, तो सर्विस क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और मैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपके लिए नई नई वीडियो नई नई जानकारी के साथ लाता रहूँगा। मेरे मोटिवेशन के लिए आप इस वीडियो सबसे चैनल वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए जानकारी के साथ आपके लिए लाता रहूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ, और आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद।